हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इंसेंटिव पटना। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग आपके इस पढ़ाई को लेकर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो है। और आज इस पहले वीडियो में आपको क्लास 12 के केमिस्ट्री पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरा केमिस्ट्री पोर्शन क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है। कुल मिलाकर के केमिस्ट्री पेपर में हम लोगों को 16 चैप्टर पढ़ना है। इन सभी चैप्टर को आपको हम बारी बारी से बताएंगे। पहले जानना है कि जो हमारे पास केमिस्ट्री है वह 3 फॉर्म में होता है। एक को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे इस पेपर में 3 फॉर्म में केमिस्ट्री है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इन तीनों पोर्शन को मिलाकर हम लोग को अपने एग्जाम में 70 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें हमारा जो मार्किंग का स्कोर है 20 मार्क्स, 23 मार्क्स और 27 मार्क्स। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बाकी जो 30 मार्क्स का है वो हमारे कॉलेज द्वारा प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको मिल जाते हैं। तो हम लोग इस क्लास 12th में आपके साथ 70 मार्क्स का काम करेंगे। और इस 70 मार्क्स के लिए कुल मिलाकर के हमारे पास 16 चैप्टर पढ़ना है। तो देखते हैं हमारा चैप्टर ये कौन कौन सा है, ध्यान देते जाएंगे। जो विद्यार्थी नोट्स करना चाहेंगे वो नोट्स कर सकते हैं, अपना नोटबुक और पेन अपने साथ रखें, जहां पर किसी अगर परेशानी हो वहां से लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला जो चैप्टर है वह हमारे पास है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का हम लोग पिछले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला जो हमारे पास चैप्टर है सॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग क्लास 9th पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़े हैं। अगला हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तक इस चैप्टर को अभी तक आप नहीं जाने हैं, जानेंगे इस क्लास में। अगला हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 और वो हमारे पास है केमिकल काइनेटिक। इससे भी आप अनजान हैं। अगला हमारे पास चैप्टर नंबर 5, ये जो हमारे पास चैप्टर है वह है सरफेस केमिस्ट्री। अगला जो चैप्टर है 6, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलिए 7, चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग 11 से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास पी ब्लॉक में कुल मिलाकर के 6 ब्लॉक्स हैं, 6 ग्रुप्स पढ़ते हैं। ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो क्लास 11th में
ग्रुप 13 और 14 को पढ़ चुके हैं और क्लास 12th में 15, 16, 17 और 18 को पढ़ा जाएगा। अगला जो हमारे पास चैप्टर है वह है आप जब पढ़ेंगे डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, तो गौर से सुनते जाएंगे। डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, अगला जो हमारे पास चैप्टर है उसको हम लोग बोलते हैं मेटालॉजी। मेटालॉजी कहने का मतलब हम लोग मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं उनके ओर से। हमको पता है कि मेटल्स को निकालने के लिए धरती से हम लोग उस मिनरल्स को निकालते हैं, उस मिनरल्स को हम लोग रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके उसके हम लोग फिर मेटल निकालते हैं। तो ये जो लोग पढ़ेंगे उसको बोलते हैं मेटलर्जी। जो अगला हमारे पास इसी को हम लोग बोलते हैं, आपके बुक में दिया होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसको भी लिख देते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगला जो हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, और ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है इसको हम लोग ऑर्गेनिक, पहला चैप्टर होगा इसको बोलते हैं हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। हैलो अल्केन्स कहने का मतलब हमको अल्केन, क्लास लोग लोग पढ़ करके आ चुके हैं अल्केन, अल्केन को ही बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और हैलो कहने का मतलब कि हैलोजन, हैलोजन का मतलब कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग आयोगिक नाम करने जाते हैं तो हैलो रेफर करते हैं। हैलो कहने का मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयरो, और ये हमारे पास एंस्टाटाइन है। इन सब के साथ जब हम लोग अल्केन को मिलाते हैं तो जो कंपाउंड्स बनता है उसको बोलते हैं हैलो अल्केन्स, और हैलो यही है बट आयरन्स, आयरन्स को बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है C6H6। इस बार बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ था बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप नोट कर लेंगे। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6, और इसी बेंजीन को बोलते हैं कॉमन ग्रुप में आयरन्स। तो जो हमारे पास हैलो हो और आयरन्स हो यानी कि बेंजीन हो, इन दोनों कंपाउंड जो मिलेंगे तो इसी को बोलते हैं हैलो आयरन्स। मेरे पास चैप्टर होगा 12th का है मेरे पास चैप्टर, जिसको बोलते हैं हैलो अल्केन्स एंड हैलो आयरन्स। अब जो हमारे पास चैप्टर है वह 11 को बोलते हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो 11 में देखेंगे अल्कोहल फिनॉल और ईथर, अल्कोहल OH फिनॉल, बेंजीन के ऊपर जब OH लगाते हैं उसी को बोलते हैं फिनॉल। एक बार दिखा दूं ध्यान से देख लेंगे, ये हमारे पास बेंजीन है और जब एक हाइड्रोजन को हटा करके इसके ऊपर जब OH को मैं अटैच कर लूं तो जो कंपाउंड तैयार होता है इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनॉल। अगला हमारे पास ईथर, कहने का मतलब कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का दो बॉन्ड होता है अगर दोनों R यानी कि अल्काइल, जब दोनों अल्काइल से मेरे पास अटैच हो जाए तो इसको बोलते हैं ईथर। यानी मेरे पास 11 में पढ़ना है वह पढ़ना है अल्कोहल, अल्कोहल को लिख दू ROH, जनरल फॉर्मूला होता है ROH, ये हमारे पास फिनॉल है, ये हमारे पास ईथर है। ऑक्सीजन को ही जब दोनों बॉन्ड्स अलग अलग जुड़ जाए किसी को बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। मेरे पास चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल और ईथर, ध्यान सुनते चलेंगे और जरूरत पड़े तो इसे नोट्स भी करते चलेंगे, ये हमारे काफी काम का चीज है। और यहाँ से इस बार क्लास 12th में क्वेश्चन आया हुआ भी है और एक काफी आसान क्वेश्चन था मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो ध्यान से देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, यानी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन का 6 मॉलिक्यूल
और हाइड्रोजन का सिक्स मॉलिक्यूल, तो इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बेंजीन, और इसी को हम लोग कॉमन रूप के बोलते हैं अरेंज। तो अगला देखते हैं और वह चैप्टर नंबर 12 में देखते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अगला जो हमारे पास चैप्टर है वह 13 में, और 13 में बोलते हैं नाइट्रोजन का मिल, इसी को लोग बोल करके ले आते हैं अमाइन। अगला जो हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है, और चैप्टर नंबर 14 है इसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, वैसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे इस बायोस्फीयर सब कन होते हैं उसको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। और ये हमारे पास बायो का भी चैप्टर है बट आपको हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बायो मॉलिक्यूल्स। अगला जो हमारे पास चैप्टर है उसको बोलते हैं पॉलीमर्स, वैसा मर्स जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल ज्वाइन करते हैं। इसी का जो हमारे पास एग्जांपल है वह है पॉलीथीन, जब इथीन को बहुत सारे को मिला देंगे उसी को बोलते हैं पॉलीथीन। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर्स। रबर, बुनाइस, गुनाइन, आरएनए, डीएनए, ये सारे जितना भी स्ट्रक्चर्स है सबको हम लोग पॉलीमर्स और बायोमॉलिक्यूल्स में गलत पढ़ेंगे। अगर हमारे पास लास्ट चैप्टर है जो सबसे लास्ट में पढ़ते हैं केमिस्ट्री नाउ और डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारे चलते फिरते जिंदगी में जो केमिस्ट्री का हमारे जिंदगी में जो यूज है, हमारे बॉडी में, लिविंग थिंग्स में, हमारे सराउंडिंग में, जितना भी सिस्टम है उसमें केमिस्ट्री का क्या क्या योगदान है, इस बार हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ में। यानी कुल मिलाकर के यही जो हमारे पास पोर्शन है वह 12th का है, और इन सब से मिलाकर के हमें प्राप्त करना होता है 70 मार्क्स, जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, इन तीनों से मिलाकर के कुल मिलाकर के 4 या 5 नंबर से क्वेश्चन आएंगे। बाकी ये सारे जो चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हैलोवर्केंस, हैलोवेरेंस, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, इन सब को मिलाकर के आपसे 27 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन है या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का पार्ट मिला हुआ है जो कुल मिलाकर के 20 मार्क्स और 23 मार्क्स, यानी कहने का मतलब कि 43 मार्क्स का हम लोग क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करेंगे। हमारे पास चैप्टर जो स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है सॉलिड स्टेट से। तो आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको हमने इस क्लास को स्टार्ट कर दिया है, और अगले वीडियो में हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं और आपको पढ़ाया जाएगा सॉलिड स्टेट। थोड़ा आप लोग इस चीज को लेकर अटेंशन में रहेंगे कि जब जब हमारा न्यू अपडेट हो आप तक पहुंचते जाए, और हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वह एक सीरियल वाइज बनाते जाएंगे, और आप लोग अपने नोट्स को और पेन के साथ उपस्थित रहेंगे, और जब भी कभी परेशानी हो तो आप वीडियो को कॉल करके पूरा रिवाइज कर लेंगे, और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी इन तीनों पोर्शन को, चारों पोर्शन को आपके साथ हम लोग हमेशा कंटिन्यू प्रयास किया जा रहा है कि सारे टॉपिक को चैप्टर वाइज आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की परेशानी आपके साथ ना हो, और आप इस यूट्यूब माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से पढ़ करके और अच्छे मार्क्स अटेंड करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा न्यू अपडेट आपके तक पहुंचते रहे। थैंक्स।